हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। सेंटर पे आप देख रहे हो पिवोट पॉइंट। अगर मार्केट में ये प्राइस पे ओपन होता है तो अगर आर वन यहाँ पर देख रहे हो रेजिस्टेंस वन होता है, तो ये अगर रेजिस्टेंस वन क्रॉस करता है तो यानी ये चढ़ता जाएगा, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आर टू और उसके बाद आर थ्री। ऐसे ही क्रॉस करता गया तो वो बढ़ता जाएगा, आपको वो शेयर खरीदनी होती है। लेकिन अगर एस वन पे आता है या एस टू पे आता है या एस थ्री पे आता है, एस वन से स्टार्ट होगा तो याद रखिए कि वो मार्केट गिरने वाला है, तो गिरता ही जाएगा। लेकिन उसका लेवल भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गिरता ही रहेगा, कभी चढ़ भी सकता है। लेकिन सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री रहेगा। तो इसीलिए सावधानी से अपना नॉलेज लगाकर इस्तेमाल करें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपकी राय, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी स्टडी बहुत मदद करेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, शेयर।